आज का हमारा सेशन रहेगा क्रैनियल नर्व। तो आज अपन जानेंगे क्रैनियल नर्व कितना होता है, राइट। क्रैनियल नर्व प्रेजेंट इन 12 पेयर। क्रैनियल नर्व कितना प्रेजेंट होता है बेटा, 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। हम बात करें 12 पेयर कौन कौन सी होती हैं, तो हमारे पास इजी सी ट्रिक है, ओटा फल्बा। इस ट्रिक से हम लोग लर्न कर पाएंगे इजिली। ओफर ऑल्फैक्टिव, ऑल्फैक्टिव नर्व जो होती है हमारे स्मेल को बता पाती है। जैसे पड़ोस में खाना बना हो, हमें उसे पता करना हो, तो हम ऑल्फैक्शन के थ्रू हम लोग पता कर पाते हैं, राइट। ऑप्टिक विजन के लिए जिम्मेदार होती है। आगे पहुंचेंगे ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ये जो नर्व्स होती हैं दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। आगे पहुंचेंगे ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी। बात करें तो ये सारी जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पॉन्स पे प्रेजेंट होती हैं। और हमारी जो ऑक्लोमोटर ट्रोक्लियर होती है तो हमारे आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे देखेंगे दिया हुआ है ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। ये जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा पे प्रेजेंट होती हैं। अब हम इसमें आइडेंटिफाई यदि करना चाहें कि कौन सी क्रैनियल नर्व प्योर होती है, प्योर मोटर, प्योर सेंसरी और मिक्स नर्व, तो पहले हम देखेंगे एक करके। प्योर सेंसरी, राइट, प्योर सेंसरी। प्योर सेंसरी की बात करें कि प्योर सेंसरी नर्व कौन कौन सी होती हैं, तो प्योर सेंसरी के लिए याद रखिएगा 1, 2 और 8। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 1, 2 और जो 8 होती है क्या होती है, प्योर सेंसरी होती है। प्योर सेंसरी का काम होता है टूवर्ड द ब्रेन, टूवर्ड द ब्रेन यानी हमारे ब्रेन को सूचना देना, राइट। आगे आ जाएगा आपका प्योर मोटर। क्या दिया हो बेटा, प्योर मोटर। प्योर मोटर की हम बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 11, 12। हम स्ट्रक्चर में देख पाएंगे 3, 4, 6 और 11, 12। ये कौन सी होती हैं, ये ऐसी नर्व होती हैं जो मोटर नर्व के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। जब हमारे ब्रेन को कोई भी सेंसेशन, कोई भी रिस्पॉन्स पहुंचता है तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेती हैं, सडन डिसीजन लेती हैं, हमारी कौन सी नर्व होती है, प्योर मोटर। तो प्योर मोटर की हम बात करें तो ये क्या करता है, इसके आगे रिस्पॉन्स करेगी। इसका काम होता है, मोटर का काम होता है क्या होता है, टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करने का काम करती है, जो हमारी इम्पल्स होती है कैरी करती है रिस्पॉन्स, राइट। आगे पहुंचेंगे हमारा आता है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व की बात करें तो मिक्स नर्व को हम ये कह सकते हैं, जितनी भी मिक्स नर्व होती है हम कह सकते हैं एज वेल एज सेंसरी और एज वेल एज मोटर। जब हमारी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व वर्क नहीं कर रही होती है तो उस दौरान काम करती है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व वैसे होती है बेटा, इजी सी हमारे पास ट्रिक लर्न करने के लिए, क्या पसंद, किसी की कोई पसंद नहीं, हम लोग खाली जो मिक्स नर्व उसको लर्न करने के लिए ट्रिक बनाई हुई है। पसंद पा से हो जाएगा 5, सा से हो जाएगा 7, नौ से हो जाएगा 9 और 10 से हो जाएगा 10। तो यानी हम ये कह सकते हैं 5, 7, 9, 10 जो हमारी क्रैनियल नर्व होती है कौन सी होती है, मिक्स नर्व होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 5, 7, 9, 10। तो जो हमारी मिक्स नर्व होती है एज वेल एज सेंसरी एज वेल एज मोटर दोनों का काम करती है, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग लर्न कर पाएंगे क्रैनियल नर्व 12 पेयर, राइट। इसको आप लोग पढ़ के रखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच।